ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में जून का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी 1 से लेकर 30 जून 2022 तक की समयावधि में ग्रहों के अनुसार किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है, किस क्षेत्र विशेष में जून के महीने में वृश्चिक राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता देखने के लिए मिलेगी और कहां पर वृश्चिक राशि वाले जातकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ग्रहों के माध्यम से ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देंगे, जैसे वृश्चिक राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वृश्चिक राशि के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय। राशिफल को प्रारंभ करें उससे पहले आपको बताते हैं ग्रह स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है और ग्रहों का मूवमेंट आपके राशि पर कैसा रहेगा। इस महीने आपके राशि के स्वामी मंगलदेव 27 जून 2022 तक गुरु के साथ राशि के त्रिकोण भाव में यानी पंचम भाव में पारिजात योग का निर्माण करके गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग माह के मध्य तक आपके राशि से सप्तम भाव पर बना हुआ रहेगा, उसके पश्चात सूर्य का परिवर्तन भी होगा। शनि पूरे महीने भर आपके राशि से चतुर्थ भाव में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। राहु और शुक्र आपके राशि के रोग भाव पर गोचर में रहेंगे, जिसमें 18 जून को शुक्र का परिवर्तन भी होगा और शुक्र आपके राशि से सप्तम भाव में चले जाएंगे। केतु आपके राशि के द्वादश भाव में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। इसमें बुधादित्य योग, पारिजात योग, गज केसरी योग और मालव योग का निर्माण भी महीने में कुछ समय के लिए इन राजयोगों का निर्माण भी जून में हो रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय कैसा रहेगा। तो राशि के दशम भाव से करियर का विचार करते हैं और दशम भाव के जो स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, राशि से सप्तम भाव में बुध के साथ गोचर में रहने वाले हैं। उसके साथ साथ आपके राशि के दशम भाव पर शनि की सप्तम दृष्टि जा रही है, तो करियर के मामले में वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जून का महीना उत्तम रहने वाला है। दशम भाव के स्वामी 15 जून 2022 तक शुभ स्थितियों में मौजूद हैं, तो वृश्चिक राशि वाले जातक 15 जून 2022 तक हर प्रकार की स्थितियों को अपने पक्ष में करने के लिए समर्थ रहेंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए करियर के दिशा में नए सोचे विचार के क्रियान्वित होने का समय रहेगा। यदि पूर्व में आपने किसी प्रकार का विचार सोचा हुआ है, सही समय के आप इंतजार कर रहे हैं। 15 जून 2022 के पूर्व किसी प्रकार की यदि कार्य व्यवसाय की आप शुरुआत करते हैं तो आपके लिए समय श्रेष्ठ और बेहतर रहेगा। शनि के कर्म भाव पर जा रही दृष्टियां इस समय अंतराल में करियर के मामले में आपको मेहनत ज्यादा करवाएगी, परंतु भाग्य का साथ भी आपको जरूर मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों को भाग दौड़ जीवन में सरकारी क्षेत्रों में ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, परंतु उसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मान सम्मान भरी स्थितियां देखने के लिए मिलेगी। सामाजिक दायरा आपका काफी ज्यादा बढ़ सकता है, मन में प्रसन्नता देखने के लिए भी मिलने जा रही है। साझेदारी में यदि किसी प्रकार का व्यापार करते हैं तो थोड़ा आपको सतर्कता बरतने की भी प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। धन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, राशि के धन भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति राशि के पंचम भाव में मंगल के साथ गोचर में मौजूद रहेंगे
आपके राशि का जो धन भाव है काफी ज्यादा प्रभावी है और लाभ भाव भी काफी ज्यादा प्रभावी है। तो देखिए, धन की जीवन में इस समय अंतराल में अर्जित होने का पर्याप्त योग दिखाई दे रहा है। इस समय अंतराल में वृश्चिक राशि वाले जातकों को शेयर बाजार से अच्छा खासा लाभ देखने के लिए मिलेगा, परंतु गर्मजोशी में आकर शेयर, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश करते समय सावधानी जरूर बरतना चाहिए। अपनी जन्म कुंडली में पर प्लैनेट का प्रभाव देखने के उपरांत ही आप शेयर बाजार में पैसा निवेश करें। इस समय अंतराल में वृश्चिक राशि वाले जातकों को भवन, वाहन और भूमि से संबंधित सुखों की प्राप्ति होती हुई भी नजर आएगी, क्योंकि राशि के चतुर्थ भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर शनि गोचर में मौजूद हैं। तो यहां पर इन सभी चीजों में आपको अच्छा खासा लाभ देखने के लिए मिलने जा रहा है। उसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यदि इस समय अंतराल में पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, परिवार भाव आपका काफी ज्यादा प्रभावी बना हुआ है। पारिवारिक जीवन में अच्छा परिणाम आपको जून के महीने में देखने के लिए भी मिलेगा। परिवार में इस समय अंतराल में धार्मिक और मांगलिक कार्यों का आयोजन देखने के लिए मिल सकता है। शनि राशि के चतुर्थ भाव पर मौजूद रहेंगे तो परिवार के सदस्यों के बीच में एकजुटता का भाव देखने के लिए मिलेगा। यदि पूर्व के समय से आपको परिवार में लगातार चुनौतियां मिल रही थी, बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ आपके संबंध खराब थे, उससे आपको निजात देखने के लिए मिलेगी। हालांकि वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपने व्यक्तिगत संबंध में जुड़े हुए जातकों के बीच में, पारिवारिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के बीच में सौहार्द और प्रेम का भाव बनाकर जरूर चलना चाहिए। क्रोध जैसी स्थितियां निर्मित करने से बचने चाहिए। इस समय अंतराल में गुरु बृहस्पति आपके लग्नस्थ दृष्टि दे रहे हैं। इस समय अंतराल में वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अपनी छटा को बिखेरने के लिए हर प्रकार के संभावना देखने के लिए मिलेगी, यानी आपकी वाणी पर काफी ज्यादा मिठास आपके रहने वाली है। तो साथ में वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं दे रही है। अब हम आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर जानकारी दें तो देखिए, प्रेम जीवन के मामले में वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जो समय रहेगा वो उतार चढ़ाव भरा रह सकता है, गलतफहमियां ज्यादा निर्मित होगी। और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो वैवाहिक जीवन के मामले में भी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए समय बेहतर रहेगा। यदि पूर्व के समय से आपके बीच में मन मुटाव भरी स्थितियां बन रही थी, वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को रिश्तों में चुनौतियां और गलतफहमियां ज्यादा बनी हुई थी, उसके दूर होने के लिए संभावना बन रही है। माह के मध्य के उपरांत समय आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के अंदर खुशनुमा पल बिताने के लिए समर्थता देखने के लिए मिलेगी, पर उसके पूर्व तक आपको सावधानी जरूर बरतना चाहिए। यानी 1 से लेकर 15 जून तक वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातक थोड़ा सावधानी जरूर बरते। इस समय अंतराल में वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यदि सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए तो देखिए, आपके राशि के 6 हाउस पर राहु और शुक्र की युति बनी हुई है। द्वादश भाव पर केतु देव गोचर में मौजूद हैं। तो देखिए, स्वास्थ्य के मामले में छोटी मोटी बीमारी आपको जरूर परेशान कर सकती है। तले भुने भोज्य पदार्थों से दूरी आपको बनाना चाहिए। हालांकि वृश्चिक राशि वाले जातकों के पेट से जुड़ी हुई समस्या तो कम परेशान करती है, परंतु राशि के 6 भाव में मंगल जब 27 जून को पहुंचेंगे तो आपको सतर्कता जरूर बरतना चाहिए। इस समय अंतराल में राशि के 6 हाउस पर राहु का प्रभाव बना हुआ है। वाहन चलाते समय सावधानी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बरतने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है।
और वृश्चिक राशि वाले जातकों को क्रोध पर नियंत्रण बनाकर जरूर चलना चाहिए। तो समय आपके लिए काफी ज्यादा श्रेष्ठता और बेहतरीन संभावना देगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों को कार्यों का बोझ आप अपने मन के ऊपर ले लेते हैं और तनाव के पूर्वक आप ये ले लेते हैं, यानी घर की जिम्मेदारियों को आप लेने के लिए सक्षम रहते हैं और घर की जिम्मेदारियों को तनावपूर्वक आप अपने मन मस्तिष्क पर लेकर चलते हैं। तो मानसिक तनाव लेने से भी वृश्चिक राशि वाले जातकों को जून के महीने में बचना होगा। बाहर के भोजन पर फास्ट फूड, जंक फूड जैसी चीजों से आपको परहेज करना चाहिए, तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा। जिन वृश्चिक राशि वाले जातकों की उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है, उनको विशेष रूप से शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से दूरी तो रखना ही चाहिए। हालांकि हर वृश्चिक राशि वाले जातकों को दूरी रखना चाहिए। योग, ध्यान, प्राणायाम जरूर करना चाहिए। प्राणायाम करने से एकाग्रता में वृद्धि होगी, शरीर में रक्त संचार, नई ऊर्जा का निर्माण होगा, पेट या किसी प्रकार की गड़बड़ी आपके शरीर में निर्मित नहीं होगी यदि आप व्यायाम करते हैं तो। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अगर धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को शनिवार के दिन जरूरतमंद व्यक्ति को भरपेट भोजन खिलाना बेहतर रहेगा। शनि से जुड़ी हुई चीजों का दान कर सकते हैं, काले तिल, उड़द, जूते चप्पल, काला शर्ट, चाय पत्ती, काला छाता, काला जूता, इन सभी चीजों का यदि आप दान करते हैं तो संभावना आपके लिए श्रेष्ठ और बेहतर रहेगी। मंगल की आराधना आपको करना बेहतर रहेगा। हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। मंगलवार के दिन चने और गुड़ बंदरों में बांटे और गरीब और असहाय व्यक्ति की मंगलवार के दिन यथा उचित आप हेल्प कर सकते हैं। घर में यदि वृश्चिक राशि के जातक महीने में एक बार या नियमित यदि सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हर प्रकार की मनोकामना आपके जीवन में जरूर पूर्ण होगी। उम्मीद है यह जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2022 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।